लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। नमस्ते। नमस्ते। इट इज सच अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विद यू टुडे। आज आप सभी के साथ रहना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। टुडे इज क्रिसमस डे। आज का दिन क्रिसमस का दिन है। एंड व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज। और ये सच में कितना अद्भुत दिन है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। मैं निश्चित ही जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत उत्साहित हैं। Today is a day when we can sit back from our regular routine. आज ऐसा दिन है जब हम अपने रोजमर्रा के काम से थोड़ा सा हटकर आराम कर सकते हैं। And we can have a great time. और बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। We can think about what God has done for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उसके बारे में सोच सकते हैं। Actually, I am a doctor. I am a gynecologist. और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक gynecologist हूँ। But I want to take time out. मैं ये समय निकालना चाहती हूँ। In order to talk to you about what God has done for us. और कि आपको ये बता सकूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। And that is why I want to share God's word with you. और इसलिए आज सुबह के समय, आज के दिन मैं आपको परमेश्वर का वचन बताना चाहती हूँ। Today when we think of Christmas, what comes to our mind? और आज जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? Do we think of Santa Claus? क्या हम सांता क्लॉस के बारे में सोचते हैं? A lovely Christmas tree. एक बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस ट्री। Carols which are sung to beautiful tunes. और carols जो बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं अच्छे ट्यून्स में। Lovely tasty Christmas cake. और बहुत ही प्यारा स्वादिष्ट क्रिसमस केक। With a lot of dry fruits. जिसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स हो। Or should we think of the Christmas story? या फिर हमें क्रिसमस की कहानी के बारे में सोचना चाहिए। When we look at the book of Luke in the Bible. जब हम बाइबल में लूक का रचित सुसमाचार की किताब को देखते हैं। Chapter 2. अध्याय 2. Verses 8 to 14. वचन 8 से लेकर वचन 14 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। Yes. हाँ। We see that there were shepherds watching over their flocks by night. हम देखते हैं कि रात को यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों की चरवाही कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। In the Middle East. मध्य पूर्व में। The shepherds are outside the city. और जो चरवाहे थे वो तो शहर के बाहर थे। These shepherds were outside Bethlehem. और ये चरवाहे बेतलहम के बाहर थे। And they were watching over the sheep. और वो अपनी भेड़ों को देख रहे थे। That night Jesus was born. और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। When suddenly there was a brilliant light. और जब अचानक वहाँ पर बड़ी ज्योति चमकी। A brilliant radiance. एक बहुत ही महान तेज वहाँ पर उतरा। A great illumination. एक बहुत ही ऐसा चकाचौंध करने वाला। The Bible tells us that the glory of God
shone upon these shepherds. Bible कहती है कि परमेश्वर की जो महिमा है इन चरवाहों के ऊपर में प्रकट हो गई. What a wonderful thing! ये तो सच में कितनी अद्भुत बात है. That God chose the shepherds. कि परमेश्वर ने चरवाहों को चुना. To shine His glory on. कि उन पर अपनी महिमा वो चमकाए. As the very first evangelist. बिल्कुल पहले प्रचारक के रूप में. And an angel appeared. और फिर स्वर्गदूत वहाँ पर प्रकट हुआ. And the angel told these shepherds. और स्वर्गदूत ने इन चरवाहों से कहा. Who were very afraid. तुम जो कि बहुत ही डरे हुए थे. They said, "Fear not." और उस स्वर्गदूत ने कहा. डरो मत. Now this brilliant light. अब ये महान तेजों में ज्योति. We see that Christmas. हम देखते हैं कि ये क्रिसमस. Is light. वो तो ज्योति है. In the beginning of the world. इस संसार के आदि में. When the world was created. जब ये संसार बनाया गया. We read in the book of Genesis. हम उत्पत्ति की किताब में इस तरह से पढ़ते हैं. Verses 2 and 3. वचन 2 और 3 में पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया. Yes. We see that when the darkness covered the whole earth. हम देखते हैं कि यहाँ पर अंधकार पूरी पृथ्वी के ऊपर छा गया था. God spoke, "Let there be light." परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, उजियाला हो. And there was light. और वहाँ पर प्रकाश हो गया, उजियाला हो गया. And the light which shone. और ज्योति वहाँ पर प्रकट हुई. Overcame the darkness. वो अंधकार के ऊपर में जयवंत हो गई. Now we will look at the book of John. अब हम यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में से देखेंगे. We will read the first chapter. हम यहाँ पर पहले अध्याय से. Verses 1 to 4. यहाँ पर पढ़ेंगे पहले अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था. Wonderful. बहुत ही अद्भुत है ये. We read that in the beginning was God. हम ये पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर था. And the word was God. और वचन ही परमेश्वर था. And this word was Jesus. और ये वचन यीशु था. Jesus was there from the very beginning. यीशु वहाँ पर बिल्कुल शुरू से ही था. What is John trying to tell us? यूहन्ना हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? He is telling us that Jesus was the light. और वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु ज्योति था. He tells us that this light shines in the darkness. और वो हमें ये बताता है कि ये ज्योति जो है अंधकार में चमकी. And this darkness cannot comprehend the light. और ये अंधकार जो है उस ज्योति को नहीं समझ पाया. Now we see. अब हम देखते हैं. With the new creation. इस नई सृष्टि में. The birth of Jesus. यीशु का जो जन्म है. There is a transformation. वहाँ पर एक बदलाव आया है. There is an illumination. वहाँ पर निश्चय प्रेरणा दी गई है. There is a revelation. यहाँ पर प्रकाशन दिया गया है. What revelation? कौन सा प्रकाशन दिया गया? Revelation of God the Father. पिता परमेश्वर का प्रकाशन दिया गया. To all of humankind. पूरी मनुष्य जाति के लिए. Revelation of how we can get to heaven. और ये प्रकाशन है कि हम किस तरह से स्वर्ग में जा सकते हैं. Through Jesus. यीशु के द्वारा. So we see. और इसलिए हम देखते हैं. That Christmas is light. कि जो क्रिसमस है वो तो ज्योति है. Now we see Isaiah has written in his book. अब हम देखते हैं कि यशायाह ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है. Unto us is born a new life for everyone. और वो कहता है कि हमारे लिए सभी के लिए नया जीवन जन्मा है. I am an obstetrician. मैं एक obstetrician हूँ. My job is to deliver women of their babies. मेरा काम ये है कि जब स्त्री को जच्चा किसी पीड़ा होती है उनकी डिलीवरी में उनकी मदद करूं. When I deliver the baby, जब उसकी माँ बच्चे को जन्म दे देती है, I hand the baby over to the father and the mother. तो मैं उस बच्चे को लेकर उस बच्चे के माता पिता को सौंप देती हूँ. But God's gift of his son, लेकिन परमेश्वर का जो वरदान है जो उसने अपने पुत्र को दिया, all men, वो तो सभी मनुष्यों के लिए है. A gift of a baby that can relate to
all mankind. और ये तो ऐसे बालक का वरदान है जो सारी मनुष्य जाति के साथ में जुड़ सकता है. Jesus in turn gives us life. यीशु ने उसके बदले में तो हमें जीवन दिया है. And this life is life with a capital L. और ये जो जीवन है ये तो सच में एक सच्चा जीवन है जिसे कहते हैं एकमात्र जीवन है. This Jesus says this is life in all its fullness. और यीशु ने कहा ये ऐसा जीवन है जो उसकी परिपूर्णता के साथ में है. He calls this eternal life. वो इसे अनंत जीवन कहता है. A life in fellowship with God the Father. ये ऐसा जीवन है जो पिता परमेश्वर के साथ में संगति का जीवन है. So we see that Christmas is life. हम ये देखते हैं कि क्रिसमस जो है वो तो जीवन है. Now, अब in the book of Luke again Jesus says, लूका रचित सुसमाचार में यहाँ पर फिर से यीशु कहता है, I have come to heal the broken hearted. मैं टूटे दिल वाले लोगों को चंगाई देने के लिए आया हूँ. I have come to heal the sick. मैं बीमारों को चंगाई देने के लिए आया हूँ. I have come to give dignity to the downtrodden. और जो कुचले हुए हैं उन्हें मैं सम्मान देने के लिए आया हूँ. To those who are rejected. जिनका तिरस्कार किया गया है. To those who are not loved. जिनसे प्रेम नहीं किया गया है. Jesus came to show us love. यीशु आया कि वो हमें प्रेम दिखाएं. Now the ultimate measure of his love. अब उसके प्रेम का जो असीम माप है, was when he gave up his life for us upon the cross. वो तो तब है जब उसने अपना जीवन अपनी जान वहाँ पर क्रूस पर दे दी. When he took our sins upon himself. जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया. And died on the cross for us, a cruel and a terrible death. और वो क्रूस पर हमारे लिए मरा एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरी ऐसी मृत्यु. By which he shed his blood for us. और वहाँ पर उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया. That when we are washed by his blood. कि जब हम उसके लहू के द्वारा धोए जाते हैं. Our sins are washed away. हमारे पाप धो दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं. And now we see. और अब हम देख सकते हैं. That Christmas is love. कि क्रिसमस प्रेम है. Now my brothers and sisters. अब मेरे भाइयों और बहनों. This is why we submit to him. और इसीलिए तो हम उसके प्रति समर्पित होते हैं. Because. क्योंकि. He came in as light. वो ज्योति के रूप में आया है. He gave up his life. उसने अपना जीवन दे दिया है. And he gave us his love. और उसने अपना प्रेम हमें दे दिया. Would you not come to him today? क्या आज आप उसके पास में नहीं आएंगे? I am speaking to those who have never heard about Jesus. मैं उन लोगों से कह रही हूँ जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना है. But because it is Christmas day, you are listening to this program. लेकिन ये क्रिसमस का दिन है इसलिए आज आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं. I am speaking to those who go to church every Sunday. मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो हर रविवार को चर्च में जाते हैं. But have never met Jesus face to face. लेकिन कभी यीशु से आमने सामने उन्होंने मुलाकात नहीं की है. Because they have never confessed their sin to him. क्योंकि उन्होंने कभी अपने पापों का अंगीकार उसके सामने नहीं किया. I'm speaking to those who are very strong Christians. मैं उन लोगों से बातें कर रही हूँ जो कि बहुत ही मजबूत विश्वासी हैं. Who are living every day for God. आप हर एक दिन परमेश्वर के लिए जीते हैं. Who are sowing seeds of good deeds to build the kingdom of heaven. आप भले काम करने के बीज बो रहे हैं ताकि स्वर्ग के राज्य को आप बनाते चले जाएं. And I plead with you that you would all come today. और आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज आप सब आइए. And come to the manger. और उस चरनी के पास आइए. And worship Jesus. और यीशु की आराधना कीजिए. So, why is Christmas day different from other days? और इसलिए मैं बताऊंगी कि क्यों क्रिसमस का दिन बाकी दूसरे दिनों से बिल्कुल अलग है. It's a day when you wake up and wonder. ये एक ऐसा दिन है जहां पर आप जागते हैं और सोचते हैं. Has anybody put a gift for me under the Christmas tree? क्या मेरे लिए किसी ने क्रिसमस ट्री के नीचे कोई भेंट रखी है, गिफ्ट रखा है? What me and my husband do is. और मैं और मेरे पति हमेशा यही तो करते हैं. We will get up in the middle of the night. हम आधी रात के समय बीच में उठते हैं. And we will put presents under the Christmas tree for our children. हम हमारे बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री के नीचे वहाँ पर कुछ भेंट रखते हैं. Now my daughter is an engineer. और मेरी बेटी अब एक इंजीनियर है. And my son is a graphic designer. और मेरा बेटा ग्राफिक डिजाइनर है. But even then. लेकिन फिर भी. They know that there is no Santa Claus. वो जानते हैं कि कोई Santa Claus नहीं है. But still, we would like to go along with the story. लेकिन फिर भी हम इस कहानी को मानना चाहते हैं, इसके अनुसार करना चाहते हैं. And they sort of like to help us think that they do not know the real thing. और वो हमारी मदद करते हैं जैसे ये दिखावा करें कि हाँ उन्हें असली बात तो पता ही नहीं है. So once we pick up our presents. और एक बार हमने अपनी वो भेंट उठाई. The next thing is to get to church on time. और दूसरी बात तो ये
ये थी कि चर्च पर बिल्कुल हमें सही समय पर पहुंचना था। 7 AM is too early. और सुबह सुबह 7 बजे का समय बहुत जल्दी होता है। To put on your absolutely new clothes. कि अपने पूरे नए कपड़े अच्छे से पहन लें। Which you have chosen with so much care. जिसे आपने बड़े सुधी लेकर बहुत देखभाल करके चुना है। So that everyone in church will admire your clothes. चर्च में आपके कपड़ों को देखकर सब लोग उसकी सराहना करें। Now Christmas service is one of the most beautiful services. अब क्रिसमस सर्विस जो है तो एक बहुत ही सुंदर सभा है। It thrills one's heart. ये तो लोगों के दिल को बहुत ही रोमांचित करती है। And it warms one's soul. और सच में हमारे प्राण को गर्मजोशी देती है। You know, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें भारत का लोह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आफ्टर ही पास्ड अवे उनकी मृत्यु के बाद बिकॉज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम क्योंकि उनके जीवन काल के समय He brought together all the small kingdoms of India. उन्होंने भारत के जो छोटे-छोटे राज्य थे, उन सभी राज्यों को एक साथ में लाया. And he made it one big united empire. और उन्होंने इन सभी छोटे राज्य को जोड़कर एक बड़ा महान राज्य बना दिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू was known as the architect of India's freedom struggle. वो उन्हें भारत के आजादी के लड़ाई के लिए एक आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है. And was called the founder of modern India. और उन्हें आधुनिक भारत के फाउंडर के रूप में जाना जाता है. Mike Tyson worked hard at wrestling. उन्होंने बॉक्सिंग के लिए बड़ी मेहनत की. For his unconquerable talent. वो अपने उस ऐसे योग्यता के लिए जिस पर कोई जय नहीं पाया उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की. He was known as Mike Iron Tyson. उन्हें Mike Iron Tyson यानी माइक लोहे का टाइसन माना जाता था. So you see many people देखिए बहुत से लोग have received their titles उन्होंने अपने-अपने शीर्षक पाए after they have passed away उनके जाने के बाद में when people recognize the work that they have done और जब लोगों ने जाना कि उन्होंने कौन सा काम किया but Jesus लेकिन यीशु received his title 856 years before he was born यीशु ने अपने जन्म के 856 साल पहले ही अपना शीर्षक प्राप्त कर लिया था Isaiah the prophet यशा भविष्यवक्ता of the Old Testament, जो कि पुराने नियम का है, he was so close to God, वो परमेश्वर के बहुत ही निकट था, that he shared God's plan for mankind, और उसने जैसे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बताया, with Isaiah, यशा को उसने बताया, so Isaiah chapter 7 and verse 14 says, और यशा अध्याय 7 वचन 14 इस तरह से कहता है, so the Lord himself will give you a sign, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, behold the virgin will conceive, सुनो एक गर्भवती होगी and shall bring forth a son और पुत्र जनेगी and they shall call his name Emmanuel और उसका नाम Emmanuel रखेगी he prophesied उसने भविष्यवाणी की that a child will be born कि एक बालक उत्पन्न होगा to a woman एक स्त्री से जन्मेगा who had not yet known a man जो पुरुष को नहीं जानती थी and his name will be called और उसका नाम होगा Emmanuel What a wonderful word. कितना अद्भुत वचन है. This is a Hebrew word. ये एक हिब्रू शब्द है. We can divide this word into three parts. हम तीन भागों में इस वचन को विभाजित कर सकते हैं. I am M. It means with. इसका मतलब है उसके साथ. A N N U. Means us. इसका मतलब है कि हम. E L मतलब means God परमेश्वर therefore God with us और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ this is the very essence of the Christmas और यही तो क्रिसमस का मुख्य सार है and the concept of God living with us और परमेश्वर जो हमारे साथ में रहता है उसके जो विचारधारा है it is a paradox ये तो निश्चित बहुत ही अद्भुत है it is very difficult for anyone else to understand How can a mighty God? और ये तो सच में किसी के लिए भी समझना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे एक महान सामर्थी परमेश्वर come and live amongst people like us. वो आकर हम जैसे लोगों के साथ में वास करता है. We cannot understand. हम इस बात को नहीं समझ सकते. How a mighty creator. कि कैसे एक महान सृष्टिकर्ता. A mighty refiner force. एक ऐसी जो शुद्ध करने वाली शक्ति है. Can relinquish or give up. वो यहाँ पर आके वो सब कुछ छोड़ दे.
his I owe no man status. और जो इस तरह से कहे कि मैं किसी मनुष्य के किसी सम्मान को नहीं जानता हूँ. And dwell in our midst. और वो अपने खुद के सम्मान को छोड़कर आए और हमारे मध्य में वास करे. Not just dwelling in our midst. केवल हमारे मध्य में वास ही नहीं करता. But willing to take on such abjectness on our behalf. लेकिन हमारे बदले में हमारे एवज में इन सारे दुखों को परेशानी को अपने ऊपर में ले लेता है. Be willing to die on the cross for us. और वो हमारे लिए तैयार है कि वो क्रूस पर मर जाए. Having shouldered all our rebellion upon himself. और उसने हमारे सारे जो बलवे की जो बातें थी अपने ऊपर उठा ली. Shedding his sinless blood. और उसने अपना पाप रहित लहू बहा दिया. On behalf of our sinfulness. हम पापी लोगों के बदले में. And preventing us from a consequential destruction. और हमें उसने उस विनाश को जो कि उसके परिणाम में आना था, पाप के परिणाम में आना था, उससे हमें बचा लिया. I will tell you a story now. मैं अभी आपको एक कहानी बताऊंगी. A story is told of a scientist. एक वैज्ञानिक की ये कहानी है जो बताई जाती है. Was working hard late in the night. वो रात को देर तक बड़ी मेहनत के काम कर रहे थे. It was very cold outside. बाहर बहुत सर्दी पड़ी थी. The winds were blowing. हवा तेज चल रही थी. Snow was falling. बर्फ गिर रही थी. And inside the room, it was nice and warm. और कमरे के अंदर में अच्छा था, गर्म था. He had his heater on. उन्होंने अपना हीटर ऑन करके रखा. And he was very comfortable. और वो बड़े आराम से बैठे थे. All of a sudden, three tiny birds landed up on his window. अचानक वहाँ पर तीन छोटे से पक्षी उनके खिड़की के पास आए. And they began to peck on his window. और वो उनकी खिड़की पर अपनी चोंच मारने लगे. On and on they pecked. और बार बार चोंच मारने लगे. But the professor was very busy with his work. लेकिन प्रोफेसर जो थे अपने काम में बहुत ही व्यस्त थे. But when they persisted, लेकिन जब वो वहाँ पर उनकी चोंच से खटखटाते रहे, he realized that they were cold. उसने जाना कि बाहर सर्दी के कारण इन्हें ठंड लग रही है. So the man got up. तो ये उठ गए. He opened his window. उन्होंने अपनी खिड़की खोली. And he thought that the birds would come inside. उन्होंने सोचा कि ये जो पक्षी है भीतर आएंगे. But no matter how he tried to persuade the birds, और चाहे कितनी भी कोशिश उन्होंने की कि उन पक्षियों को भीतर लेकर आए, the birds seemed to look at him with suspicion. और जो पक्षी है वो उनकी ओर संदेह से देख रहे थे. Then it occurred to him. और फिर उन्होंने इस तरह से समझा. If only I could become a bird. अगर मैं केवल एक पक्षी बन जाऊं. Then I could guide these little ones to safety. तभी मैं इन छोटे पक्षी को सुरक्षा में लेकर आ सकता हूं. So also with Jesus. यीशु के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ. He did not send huge caricature of a person from heaven to guide us to safety. उसने सुरक्षा के लिए स्वर्ग से बड़े डिलडॉल वाला कोई महान व्यक्ति नहीं भेजा कि हमें सुरक्षितता में लेकर आए. Or he did not direct some natural powers to lure us away from our bad way of life. और उसने ना ही कोई जो प्राकृतिक शक्ति उसके द्वारा ऐसे तरह से विपदाएं लाई कि वो हमारे जीवन में आए और हम उसके तरफ खींचे जाएं. But God sent his own son. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Because he knew that only totally pure man, क्योंकि वो जानता था कि केवल एक पूरी तरह से शुद्ध मनुष्य ही could lead men into safety. वही मनुष्य जाति को सुरक्षा में लेकर आ सकता है. Now Isaiah goes on to write. यशायाह आगे इस तरह से लिखता है. That his name will be called Wonderful Counselor. कि उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला होगा. Mighty God. महान परमेश्वर. Everlasting Father. सामर्थी परमेश्वर अनंत काल का पिता. And the Prince of Peace. और शांति का राजकुमार होगा. We don't need to look at our daily newspaper. अपने अखबार को प्रतिदिन देखने की जरूरत नहीं. Or watch news on TV. और ना ही टीवी पर न्यूज देखने की जरूरत है. To see that we are living in a strife-torn world. कि हम ये जाने कि हम तो बड़े झगड़े से भरे हुए और टूटे हुए संसार में रहते हैं. Jesus is called the Prince of Peace. यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है. He has given us peace. उसने हमें शांति दी है. There are three aspects of peace which God has given to us. परमेश्वर ने जो शांति के तीन दृष्टिकोण हैं. The first is shalom. और उसमें से एक है shalom. Shalom in Hebrew means peace. हिब्रू में शालोम का मतलब है शांति. It also means prosperity. इसका एक और अर्थ है वो है संपन्नता. It also means reconciliation. इसका और भी मतलब है मेल मिलाप. Reconciliation of all human relationships. पूरी मनुष्य जाति का जो संबंध है उसमें मेल मिलाप. So we read in the book of 1 Samuel
chapter 7 and verse 14 hum yahan par padhte hain shamuel ki kitab adhyay that there was peace between israel and the amorites ki yahan par israeliyon ke beech mein aur amariyon ke beech mein shanti ho gayi there was reconciliation wahan par mel milap ho gaya then the second kind of peace aur fir dusri tarah ki shanti hai is peace with god in our hearts aur wo hai hamare dil mein parmeshwar ke saath mein shanti it is a peace that floods our hearts ye aisi shanti hai jo hamare dil mein umad kar aati hai when we open our hearts to jesus jab hum apna dil yeshu ke liye kholte hain and we know that he accepts us aur hum jante hain ki wo hame swikar karta hai no matter what we are like chahe hum kaise bhi kyun na ho Book of John, यूहन्ना की किताब, chapter 14 and verse 27. अध्याय 14, वचन 27 कहता है. We will read it in Hindi. वचन 27 हम यहाँ पर पढ़ते हैं. ये कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे. Yes. हाँ. Jesus says, I leave my peace with you. यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ. I give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ. So don't let your heart be troubled. और इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो. Don't be fearful. आप डरे नहीं. The third peace is peace with It's a horizontal peace. और अगली जो शांति है वो तो ऐसी शांति है जो क्षितिज के लेवल पर ये कहिए अपने समतल स्तर पर होती है. So only when there is peace with God. और जब परमेश्वर के साथ में शांति होती है. Can we have peace with those around us? तभी हम हमारे आसपास के लोगों के साथ शांति में रह सकते हैं. Peace with our brother and sister. हमारे भाइयों और बहनों के साथ में शांति. Peace within our nation. हमारे देश में शांति. Peace within this world. इस संसार में शांति. So this Christmas और इसलिए ये क्रिसमस I pray मैं प्रार्थना करती हूँ that God will give each one of our viewers कि परमेश्वर हम में से हर एक दर्शकों को the peace that God gives us वो शांति दे जो परमेश्वर हमें देता है so therefore in conclusion we will see और इसलिए सारांश में मैं आपको बताऊंगी that Christmas is a time कि क्रिसमस ऐसा समय है when God gives us light जब परमेश्वर हमें ज्योति देता he है he gives us life और वो हमें जीवन देता है he gives us love वो हमें प्रेम देता है it's a time when a beautiful baby is born in this world और ये तो ऐसा समय जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बालक इस संसार में जन्मा था या क्राइस्ट हैज बोर्न इन दिस वर्ल्ड सो दैट वी कैन बी बोर्न इन हिम और मसीह इस संसार में जन्मा ताकि हम उसमें जन्म ले सके आई वुड प्लीड विद ऑल माय व्यूअर्स मैं अपने सभी दर्शकों से विनती करती हूँ दैट दिस क्रिसमस कि ये क्रिसमस दे विल कम टू जीसस आप यीशु के पास में आए जस्ट लाइक द शेपर्ड्स केम टू सी हिम चरवाहे उसे देखने के लिए आए थे Just like the Magi came to see him, और जैसे मजूसी उसे देखने के लिए आए थे that we would also come to see Jesus. हम भी यीशु को देखने के लिए आए Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं Father God, we are so excited, पिता परमेश्वर हम बहुत ही उत्साहित हैं that you were born on this day. कि इस दिन तेरा जन्म हुआ था We have been longing, हम सच में अपेक्षा करते रहे in our hearts, हमारे दिल में for peace. कि शांति मिले फॉर आर रेकन्सिलिएशन विद द माइटी गॉड कि सामर्थ्य परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो जाए वी हैव बीन प्रेइंग हम प्रार्थना करते आए दैट ऑल आवर सिन विल बी डेल्ट विद कि हमारे सारे पापों के साथ निपट लिया जाए ऑल आवर गिल्ट विल बी डेल्ट विद हमारे सारे दोष के साथ में निपट लिया जाए बट टुडे यू आर टेलिंग अस और आज तू हमसे कहता है दैट एट द क्रॉस कि क्रूस पर यू विल मेक अस न्यू तू हमें नया बनाएगा यू हैव सेड दैट एनी मैन इज इन यू इज अ न्यू क्रिएशन तूने ये कहा है कि जो कोई भी मनुष्य तुझ में न है वो तो नई सृष्टि है ऑल दैट इज ओल्ड इज पास्ट अवे पुरानी सारी बातें बीत गई है व्हेन वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड जब हम के लहू से धोए जाते हैं। You are not going to question us about things we did long ago. हमने जो बहुत पहले किया उन बातों के बारे में तो हमसे सवाल नहीं पूछेगा। But you're going to give us a new life. लेकिन तो हमें नया जीवन देगा। We pray for each person watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। That they will come to Jesus today. कि आज ये यीशु को जानने पाएं। We pray this in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Yes, viewers. हाँ दर्शकों हैव अ ग्रेट क्रिसमस क्रिसमस का आप आनंद उठाएं महान क्रिसमस हो Yes, and I would want to continue to remind you. और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ. That I am a gynecologist. मैं एक gynecologist हूँ. So if you have any problems regarding infertility or any other situations, tumors in the uterus, you want any suggestion,
please email to me on the email that is given to you. तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको कोई समस्या है इनफर्टिलिटी की, यानी आपको कोई संतान नहीं होती है, या फिर यूट्रस में ट्यूमर है, या आपको बच्चे से संबंधित, अगर कोई भी बच्चे को धारण करने से संबंधित कोई भी अगर समस्या है, तो निश्चय इस ईमेल पर हमसे संपर्क करें, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। I know that there are many people who are suffering all over. मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग ऐसा दुख उठा रहे हैं। So today we will say goodbye on this point. तो अभी इस समय हम आपको goodbye कहते हैं। And we will meet you next week. और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।